गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने आई होप यू पढ़ाई चालू कर दिया होगा, है ना। जिन बच्चों ने अभी तक बुक परचेस नहीं किया है वो लोग अपनी बुक परचेस करें, ठीक है। और जिन्होंने बुक परचेस कर लिया है तो वो लोग, जो भी मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ या जो भी सब्जेक्ट में टॉपिक आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, उनको बुक में से थोड़ा सा रीड करिए, जिससे क्या और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है बच्चों। पिछले लगभग आपका ये 8वां वीडियो लेक्चर है। पिछले 7 वीडियो लेक्चर में आपको जो भी था, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बाई टॉपिक आपको कुछ मैं बोर्ड पे डेफिनेशंस कुछ टॉपिक आपको बता रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ कंप्लेन आई उसमें कि चैप्टर अभी तक आपका कोई प्रॉपर चालू नहीं हो पा रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लर्न करें, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा हम एक दो टॉपिक आपको राइट कोई टॉपिक में लेता था बोर्ड पे और आपको उसके बारे में समझा रहा था, सिक्वेंस से नहीं चल रहा था अपना कुछ भी। तो उसी को देखते हुए जो कंप्लेन आ रही थी, आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी कैसे क्या करें, तो आज ये हमने सोचा कि प्रॉपर रूप से हम बुक चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन वही ऑफलाइन क्लासेज में जैसे करते थे, क्या करते थे, बेंच पर आप लोग बैठते थे, यहाँ हम लोग बुक पढ़ आपको रीड कराते थे, जो भी टॉपिक थे वो कंसेप्ट वगैरह कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड कराते थे और क्लियर डाउट करते थे। सुबह वो ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही चलेगा आपका, वही हमारे द्वारा बुक आपको रीड कराया जाएगा, लाइन टू लाइन रीड कराया जाएगा, जो भी वर्ड मीनिंग्स जो हम कराते थे आपको इस स्कूल में क्लासेज में, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थी उसके मैं इंदियर्स करवा देता था वगैरह, जो भी ऑफलाइन लाइक है ऑफलाइन क्लासेज, है ना, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेज की तरह फीलिंग करोगे, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इस लेक्चर को या कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आसपास कोई होना नहीं चाहिए। आप एक तो क्या करते हो, देखने में आया है, आसपास हम जो फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो कोई भी हम एजुकेशन कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, अकेले में, अकेले से मेरा मतलब हुआ शांत जगह जहाँ पर कोई हल्ला नहीं हो रहा हो, और यूज़ करें जहाँ से लीड या हेडफोन जो भी आपके पास, यदि इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा एक्सेसरीज हो आपके पास तो उसका यूज करें, ठीक है। जिससे क्या है, मेडिटेशन में आने का शांति ध्यान रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका रहेगा, टॉपिक से रिलेटेड आसपास ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज एक मैं आपको बुक का कवर पेज दिखा देता हूँ, 8th क्लास साइंस की आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसको अपन आज से चालू कर रहे हैं। लगभग यदि मैं इसके कंटेंट की बात करूँ तो आपका लगभग इसमें 18 चैप्टर है इसमें कंप्लीट, ठीक है। और बोर्ड आप लोगों के साथ बोर्ड भी रहती है, स्कूल एग्जामिनेशन तो लगती नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन। और इस बार कंप्लीट सिलेबस चेंज हो गया है, लास्ट ईयर वाली बुक नहीं चलेगी इस बार। राजस्थान गवर्नमेंट ने NCERT अपना सिलेबस कर दिया है, ठीक है। जो पहले आपका CBSE स्कूल्स में वगैरह चलते थे, और आपका राजस्थान बोर्ड RBSE में ही ये सिलेबस, ये वाली बुक आपकी चलेगी, ठीक है। तो काफ़ी बुक अच्छी है, कंटेंट भी इसमें काफ़ी डीपली रहते हैं, आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहेगी वो भी हमारे द्वारा बताई जाएंगी। तो ये आपको कुछ मैंने बेसिक समरीज इंट्रोडक्शन बुक के बारे में बता दिया, एक बार बुक का कवर पेज देख लेना आपको, ये साइंस टेक्स्ट बुक ऐसा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, 18 चैप्टर है इसमें, और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन भी लगेगी कन्फर्म है, टाइम पे लगेगा। इस बात में आप गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन हमारी नहीं लगेगी, कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम टाइम पर ही लगेगी, ठीक है। चाहे सिलेबस कम करना पड़ जाए बोर्ड को, इस चीज़ को आपने देख लिया है, जून में एग्जामिनेशन लगी थी बोर्ड एग्जामिनेशन, उनको उन्होंने कैंसिल नहीं किया है। तो अब तो पता है सबको कोरोना, पहले तो पता ही नहीं था कोरोना को ये डिजीज आने वाली है, फिर भी एग्जाम लगा उनका, तो आप लोगों का तो श्योर है फिर डेफिनेट एग्जाम लगेगा। तो इसको देखते हुए हर सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर आपकी जो भी है पढ़ाई करवाई जाएगी, तो समझिएगा। तो आओ हम आज से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बात और, जब भी आप बुक जो भी मैं जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो उससे पहले आपको एक तो बुक साथ में रखना है, जो समझ में नहीं आया आपको, लाइक दिस ऑफलाइन क्लासेज ही बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन रीड करवाई जाएगी। एक पेंसिल रखना है जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में रखते थे, जो लाइन में अंडरलाइन की बोलूँगा उसको आपको अंडरलाइन करना है, जो वर्ड मीनिंग्स बोलता जाऊँगा आपको, जो भी डिफिकल्ट लगता है या मेरे द्वारा कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स बोर्ड पर लिखवाया जाता है तो उसको आपको राइट करना है। तो आई होप यू इतनी सारी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैं फर्स्ट चैप्टर से ही चालू कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट्स, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट्स, कृषि उत्पादन, ठीक है, फसल उत्पादन, क्रॉप फसल, मैनेजमेंट प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, एंड मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। हम यहाँ पर इस चैप्टर में फसलों का कैसे उत्पादन किया जाता है और उसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट सबसे पहली बात है, प्रोडक्शन हमें आना चाहिए। प्रोडक्शन मीन्स कोई भी चीज़ हम कैसे प्रोडक्ट करें, कोई भी खाना भी घर में बनाते प्रोडक्ट करते कैसे उसको बनाया जाए। दूसरी बात है मैनेजमेंट कैसे, मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी बीमारी है। मैं जब तक किसी भी चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा
वो चीज़ सेफ ही नहीं रहेगी। कोई जैसे चलो मैं एक घर का एग्जांपल बताऊँ, कोई भी अपने घरों में कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, शादी वगैरह, कोई मैरिज वगैरह होती है, कोई बर्थडे पार्टी, कोई भी हम काम धार्मिक काम करवाते हैं, किसी एक घर के बड़े आदमी को एक मैनेजमेंट संभाला जाता है, ताकि क्या कि रसोई का मैनेजमेंट ये संभालेगा, या कोई पैसे का मैनेजमेंट, कोई एक जिम्मेदारी हर किसी को दे दी जाती है, ताकि क्या काम प्रॉपर रूप से हो सके और वो सभी चीज़ों पर ध्यान रखे। इससे हमारा जो भी हम कोई धार्मिक प्रोग्राम्स वगैरह हम करवा रहे हैं, या कोई मैरिज वगैरह प्रोग्राम है, कोई बर्थडे पार्टी है, जो भी है, जो समझदार सीनियर आदमी को जिम्मेदारी दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि वो काम हमारा प्रॉपर रूप से हो सके। लाइक दिस क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें भी ऐसा ही है, मैनेजमेंट की प्रॉपर, ये नहीं है अपने कहीं भी मिट्टी दिखा उसमें बीज पटके और फसल हो गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्रॉप कर रहे हैं, ना कि पौधा उगाना है हमें, यहाँ पर क्रॉप, ठीक है, फसल उत्पादन करना है। तो आओ हम, मैंने इसका चैप्टर से रिलेटेड बता दिया आपको मीन्स वगैरह क्या होता है, आइए हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में समझाने से पहले एक बात मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, विशेषकर पेरेंट्स इस बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करिए। हो सकता है आपके बच्चे चार से पाँच महीनों में एजुकेशन थोड़ा सा हट गए होंगे, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग बच्चे को कैसे ट्रीट करते हो, कैसे उनको गाइड करते हो, ठीक है, सब चीज़ आप पर ही डिपेंड है। यदि आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बात बताइए आप लोग, ठीक है, तो कोऑपरेट करिए और बच्चे को मोटिवेट करिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं चैप्टर चालू करता हूँ। यदि मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव, इन फैक्ट फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स, द बेसिक ह्यूमन्स नीड इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट। वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव, हमें आवश्यक होता है फूड टू सर्वाइव, जीवन जीने के लिए। इन फैक्ट वास्तव में फूड इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वास्तव में भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण, एंड बेसिक नीड्स एक मूलभूत आवश्यकता है ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स, प्रत्येक मानव के लिए। क्लियर बात है, भोजन एक महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता है, भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। आप कितने टाइम तक रहोगे, एक दिन, दो दिन, शरीर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा यदि आप भोजन नहीं लोगे, फूड नहीं लोगे। तो द बेसिक ह्यूमन नीड इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, जो मनुष्य को भोजन की मूलभूत आवश्यकता कहाँ से मिलती है, पौधों से। द मेजर फूड सच एज कॉल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ETC आर ऑल प्रोवाइडेड बाई प्लांट्स। अब ये फूड में क्या क्या चीज़ें आती है, कॉल्स, अनाज, पल्सेज, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल आर ऑल प्रोवाइड बाई प्लांट। ये सभी चीज़ें हमें पौधे से प्राप्त होती है, राइट, सभी चीज़ें। अब जितनी भी चीज़ों को खाते हो सब कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट्स से मिलता है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी है बाजार, कोई फैक्ट्री या कंपनी में बनेगी, नहीं, हमें नेचर से मिलता है, नेचर में प्लांट्स से मिलता है। ये तो प्लांट्स की बात हुई, अब आगे आता हूं मैं, एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड फूड टू अस सच एस एग फ्रॉम हेंस, मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड लाइफ विदाउट प्लांट इज नॉट पॉसिबल। एनिमल आल्सो, जानवर भी हमें भोजन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मुर्गी क्या देती है, अंडे देती है, मीट, कई जानवरों से मीट भी ऑब्टेंट होता है। तो मिला जुला के बात यदि मैं कहूँ तो प्लांट्स और एनिमल्स आर बोथ आर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट्स, आर लाइफ विदाउट प्लांट्स इज नॉट पॉसिबल। हम प्लांट्स के बिना रह नहीं सकते, प्लांट्स से हमें कई सारी चीज़ें ऑब्टेंट होती है, भोजन के लिए सभी हर सेक्टर में प्लांट्स जरूरी है, चाहे आप कोई भी खाने पीने, हर चीज़ से प्लांट्स में डिपेंडेबल है, ठीक है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री, इस बात से भी हम झुटला नहीं सकते कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 70% पीपल विलेज में रहती है, ठीक है, लाइव करते रहती है वहाँ पर। एग्रीकल्चर आर नोन टू द पीपल थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और हम हजारों वर्षों से हम खेती कर रहे हैं। इन ऋग्वेद टाइम्स वुडन प्लाउज वेर पूल्ड बाई बल्स और ऑक्सन, सीड्स आर सोन इन फरोज, मेज वाज कट विद स्टिकल्स स्टैक्ड थ्रेस्ड एंड विनवोड। ऋग्वेद के समय से, ऋग्वेद समझे, प्राचीन काल से, एनिशियंट टाइम्स, बहुत पुराने समय से ही, ऋषि मुनियों के समय से ही हम लोग लकड़ी का वो
हल जोतने का, लकड़ी का हल बनाते थे जो खेत को जोतने के काम आता है, बीज डालने के लिए, बीज खेतों में डालने के लिए, फरोज और मेज वगैरह, मक्के वगैरह काटने, स्टिकल्स स्टैक्ड और थ्रेसर विनवर फटकने के, यानी प्राचीन काल से कृषि की पद्धति एग्रीकल्चर सिस्टम चला आ रहा है। ये नहीं कि आज आया है, आज मॉडर्न मेथड आया है, पहले ट्रेडिशनल मेथड चलता था, लेकिन चलता जरूर था, एग्रीकल्चर शुरू से ही चल रहा है। आगे आते हैं, कैनल्स वेयर डग फॉर इरीगेशन, कैनल नहरों बांधों का इस्तेमाल, कैनल का नहरों का इस्तेमाल इरीगेशन सिंचाई में करते थे। कैटल डंग वाज यूज टू मैन्योर, और गाय कैटल डंग जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं उनका उपयोग मैन्योर खाद बनाने में करते थे। एज टाइम पास्ड बाई एग्रीकल्चर कीप्ड ऑन प्रोग्रेसिंग राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री एज अर्लियर 1948 द कंट्री द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। भारत कृषि प्रधान सक्षम देश बना, आत्मनिर्भर देश। 1948 में पंडित जवाहरलाल जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री है उनके द्वारा बोला गया था एवरीथिंग कैन वेट, हम हर चीज में वेट कर सकते हैं बट नॉट एग्रीकल्चर, खेती में वेट नहीं कर सकते। इसका मैं ताज़ा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं लॉकडाउन ही हमारा एक एग्जाम्पल है। पूरा इंडिया लॉकडाउन था लगभग 23-24 मार्च से, लेकिन एग्रीकल्चर पे लॉकडाउन नहीं लगा था, खेती हो रही थी, आप लोगों के गांव में भी खेती हो रही थी, खेती बंद नहीं हुई थी। कि गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, एग्रीकल्चर हम रोक देंगे तो हमारा सर्वाइव कैसे होगा, हम कैसे जीवित बचेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर 1948 में ही बोल दिया था एवरी कैन वेट, हम हर चीज़ में रोक हम हर चीज़ में वेट कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इज नॉट वेट, एग्रीकल्चर में हम वेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपने देख लिया लॉकडाउन में कि एग्रीकल्चर हमारा बंद नहीं हुआ था, हर चीज़ हमारा बंद था लेकिन एग्रीकल्चर को हमने बंद नहीं किया था। विद द प्रायोरिटी एंड फर्दर प्रोसेस ओवर द ईयर्स इंडिया हैज रीच्ड ए स्टेज नाउ that it has enough buffer stocks of food grains। कि प्रायोरिटी हम शुरू से खेती को देते आ रहे हैं। इंडिया भारत कृषि प्रधान, ठीक है, हम 70% पीपल गाँव में ही रहती, विलेज में अलाइव करती है, ठीक है, तो हम खेती को शुरू से महत्व देते आ रहे हैं, प्रायोरिटी हमारी खेती ही रही थी। रीज इज सो डेट इट इनफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, और अनाज का हम स्टॉक करके भी रखते थे। द टर्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो ये वर्ड है एग्रीकल्चर, इज ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एगार विच मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। दो वर्ड से आया, ये एगार से आया, AGER इसका मीन्स होता है फील्ड्स, और कल्टीवेटेड जिसके मीन्स होता है कटाई, कल्टीवेशन ऑफ द कल्टीवेशन कल्चर, सॉरी कल्चर, कल्चर मीन्स कल्टीवेटेड। तो एगार, एगार मीन्स आपका होगा जो लैटिन वर्ड है, ये लैटिन एक भाषा होती है विच मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर दस इज ए कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड, एग्रीकल्चर खेती, दिस इज ए कल्टीवेशन ऑफ फील्ड ऑन लैंड, फील्ड यानी किसी क्षेत्र या किसी भूमि पर की जाने वाली किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने का एक माध्यम होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के द्वारा कोई एक क्षेत्र किसी फील्ड पर किसी लैंड पर हम किसी भी प्लांट्स किसी भी प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर। समझ गए, एग्रीकल्चर टू वर्ड्स से आया, एगार और कल्चर, एगार मीन्स फील्ड, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्रीकल्चर का मीन्स था। आगे हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6, बॉर्डर साइंस, इट इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग एनिमल यूजफुल टू ह्यूमंस। एग्रीकल्चर इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स एंड ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एंड एनिमल्स। इट इज़ अ साइंस ऑफ ग्रोइंग, विज्ञान में ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को उगाया जाता है, एंड राइजिंग एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमंस, और जो मानव के महत्व की पौधे होते हैं प्लांट्स उनको ग्रो किया जाता है। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड ब्रीडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर में क्या शामिल है कि किसी भी भूमि पर, लैंड भूमि पर आप खेती करो, मैनेजमेंट से, प्रबंधन से, उचित प्रबंधन से, हम मैंने स्टार्टिंग मैनेजमेंट का मीन्स आपको बता दिया था, एंड एनिमल्स। हॉर्टिकल्चर एक और वर्ड आया आपका, हॉर्टिकल्चर
हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी बोलते हैं इसको, इसका जब मैं इसका वर्डों को ड्राइव करूँ तो हॉर्टस, हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। आपने देखा होगा कहीं, अपने यहाँ तो फिर भी नहीं है गंगापुर वगैरह में, दूसरे कई बड़े शहरों में देखते हैं, मेट्रो सिटीज में देखते हैं, हर कॉलोनी या हर शहर में एक गार्डन होता है, वहाँ पे एक माली होता है, गार्डनर जो होता है, उसका काम क्या होता है कि वहाँ पे जो भी फसल वगैरह है उसको उगाने का काम, कोई फ्लावर प्लांट्स को उगाने का काम करता है, ठीक है, बागवानी हॉर्टिकल्चर का काम करता है, जिसमें वो अलग अलग वेराइटी के फ्लावर्स को वो ग्रो करता है, ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में आएगा। एंड इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अंडरलाइन करेगा इसको। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की वह शाखा, द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं सजावटी पेड़, देखा होगा आपने गार्डन वगैरह के बाहर वो रंग बिरंगे फूल होते हैं, गमले में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन्स सजावटी पौधे, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन्स लिखेगा आप लोग सजावटी पौधे। ठीक है, जिसमें अपन गमले के देखते हैं ना कई गार्डन में, वो गमले में लगे हुए रहते हैं रंग बिरंगे फूल, ठीक है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावटी पौधे। ठीक है, तो ये आपका मैंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पेज नंबर 2 के ऊपर आपकी जो 5th लाइन तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज से आप लोगों को ऐसी पढ़ाई चालू होगी, आपको बुक लेके साथ में बैठना है, पेंसिल लेके रखना है हाथ में, और साथ के साथ अंडरलाइन करने की जो बोलता हूँ उसको अंडरलाइन करना है, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है उसको आपको साथ के साथ लर्न करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ऐसे आप लोगों की अब एजुकेशन लगातार पढ़ाई चलेगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।